नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस टू कोर्ट पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक उठती हुई खबर को लेके, जो कि नाइजीरियन आर्मी से जुड़ी हुई है। तो इसको लेके जो कल ट्वीट है वो किया गया था HAL के द्वारा, कि 6 नाइजीरियन आर्मी के जो पर्सनल हैं उन्होंने एडमिशन लिया है HAL के रोटरी विंग फ्लाइंग क्लब में। और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रैल में साइन कर लिया गया था, और जो फाइनली एडमिशन है वो अभी हाल ही में लिया गया है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर खबर ने एक स्पेकुलेशन को स्पार्क किया है कि कहीं ना कहीं पॉसिबली नाइजीरियन आर्मी HAL द्वारा बनाया गया LCH को प्रोक्योर करने जा रही है, और कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया जा रहा है जो नाइजीरिया के डिफेंस पोर्टल्स है वहाँ पे। तो मेरी नज़र में ये चीज़ काफ़ी हद तक संभव है। अगर आप नाइजीरियन आर्मी की बात करते हो, उनके एविएशन कोर की, तो वहाँ पे आर्मी के लिए उनके पास कोई खास इक्विपमेंट नहीं है। और हाल ही में एक जो सजेशन है वो दिया गया था कि उनकी जो लड़ाई है बोको हराम के अगेंस्ट, वहाँ पे कहीं ना कहीं आर्मी के एविएशन विंग को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। ऐसी कुछ जो बातें हैं नाइजीरियन डिफेंस में चल रही हैं। तो पॉसिबली उस फैक्टर को अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि वो HAL के LCH को प्रोक्योर करें, अगर उनके लिए जो पेमेंट का मेथड है और प्राइसिंग वो सही रहता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी वो आर्मी को ग्राउंड पे सपोर्ट करने के लिए, जो आर्मी एविएशन कोर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की प्लानिंग कर रही है। और कुछ ऐसा ही जो सजेशन है वो अभी दिए गए थे अभी हाल ही में नाइजीरिया के मेजर जनरल बासिर मार्क्सी के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने सुझाव दिया था कि नए इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में आर्मी के एविएशन कोर को मजबूत करने के लिए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि पॉसिबली जो HAL के LCH है वो यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा। अगर नाइजीरियन एयरफोर्स की बात करते हो तो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं 3 के नंबर में C-130, 5 के नंबर में डोनियर डुओ 228 और 11 के नंबर में डोनियर डुओ 28। जो चाइनीज JF-17 थंडर है वो ऑलरेडी 3 के नंबर में ऑपरेट कर रहे हैं, और चाइनीज F-7 भी वो 8 के नंबर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नाइजीरियन एयरफोर्स है वो वेल इक्विप्ड है, और यहाँ पे जो नाइजीरियन एयरफोर्स है उनके पास एक ही Mi-35 है। तो यहाँ पे ग्राउंड पे आर्मी को सपोर्ट करने के लिए आर्मी का जो अपना एविएशन कोर है वो ये स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, और पॉसिबली हो सकता है कि LCH को प्रोक्योर करें। यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग ये कोट कर रहे हैं कि जो टर्किश T-129 है उसकी तरफ भी जा सकती है नाइजीरिया। वो चीज़ मुझे होते हुए संभव नहीं दिख रही है। अगर उनको अटैक हेलीकॉप्टर प्रोक्योर करना है और वो ट्रेनिंग ऑलरेडी HAL से ले रहे हैं, तो जो मैटर वो काफ़ी आगे जा चुका है। सो यहाँ पर T-129 की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो HAL का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोक्योरमेंट को लेकर ऑलरेडी नाइजीरिया पे आ चुका है। इसी में बात करते हैं इंडियन आर्मी को लेके, यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो एक RFI है वो इशू किया है। RFI यहाँ पे एक ट्रेलर को प्रोक्योर करने के लिए, और ये जो आपके ट्रेलर होंगे बेसिकली ये कैरियर ट्रांसपोर्टर हैं 50 टन के, और ये इस्तेमाल किए जाएंगे हैवी आर्म्ड व्हीकल और टैंक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो RFI इशू किया गया है IDDM के लिए, मतलब इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट के लिए निकाला गया है। हालांकि जो RFI 2018 में निकाला गया था, अब यहाँ पे इसको रीइशू किया गया है। उस समय जो बिडर थे उनका वॉल्यूम ऐसा नहीं था। यहाँ पे बिडर के नंबर को बढ़ाने के लिए और कंपटीशन को और ऊपर ले जाने के लिए ये जो RFI और रीइशू किया गया है। जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ और विड्थ होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 400 mm का मांगा गया है, जबकि टोइंग व्हीकल में 24 वोल्ट का जो मेन सप्लाई है पावर सप्लाई वो भी डिमांड यहाँ पे की गई है। तो इसमें से ज़्यादातर जो फैक्टर हैं वो टिक कर रहा है BEML के ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पे कल्याणी टाटा और अशोक लेलैंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।